और आइए अब आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर राजीव परख मेदांता अस्पताल से हैं, डॉक्टर अशोक सेठ चेयरमैन हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट के, और नीरज गुप्ता जी एमडी हैं जीन्स टू एमी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले हम नीरज गुप्ता जी के पास चलेंगे, और नीरज गुप्ता जी के पास मैं इस वजह से जाना चाहती हूँ क्योंकि देश के अंदर अब जो रैपिड टेस्ट किट्स हैं, जो रैपिड टेस्ट है उसको बहुत जोर दिया जाना है, और ये किट्स नीरज गुप्ता जी बताएंगे बेहतर तरीके से किस तरीके से देश में पहुंचने का सिलसिला इनके शुरू हुआ है। नीरज सर। हाँ जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मोरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पैनल। दिस किट, आई थिंक रैपिड टेस्टिंग किट एक ये नया मीडियम है जो कि गवर्नमेंट आज की डेट में स्टार्ट कर रही है एक्सप्लोर करना, एंड इसमें हम लोग बहुत जल्दी ही किसी भी टेस्ट को हम करके एक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि आओ विद इन 15 मिनट में हम उसको टेस्ट करके निकाल सकते हैं कि इसको कितना पॉसिबिलिटी है इस पेशेंट को या कंज्यूम आदमी को होने की। एंड इसमें आपका जो खास तौर पे अगर हम हॉटस्पॉट्स की बात करते हैं तो हॉटस्पॉट्स में अभी गवर्नमेंट इसको स्क्रीनिंग पे लेके जाने के लिए एक्सप्लोर कर रही है, एंड वी आर आप लोगों ने अभी इसकी पहली डिलीवरी कंट्री में लाके दी है, एंड हम उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं 2 से 2.5 लाख पीस, एंड वो अब सब जगह स्टेट्स में पहुँच रहा है, एंड अभी हमारे पास और भी इसको लाने के लिए काफ़ी प्लानिंग है। रैपिड टेस्ट की इसलिए ज़रूरत है कि अभी तक हम जितने भी टेस्ट करते आ रहे हैं विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं रियल टाइम PCR बेस्ड, RT-PCR बेस्ड, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है और सेंसिटिव है, एंड बट उनके साथ एक कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि वो सिर्फ एक हाई एंड लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही किए जा सकते हैं। उसमें एक उसको एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 1 से 2 दिन का पूरा प्रोसेस है, और वो हम ऑन द फील्ड जैसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर पे हम बहुत जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे को उसके लिए एक गवर्नमेंट को जब मास स्केलिंग पे स्क्रीनिंग करनी होती है सो वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम विच इज़ इन अ कॉम्प्लीमेंट्री, हम जिसमें रैपिड टेस्ट करके एक एंटीबॉडी बेस्ड हम किट्स बनी हैं और आ रही हैं मार्केट में जिसको हम लेके आए हैं इंडिया के लिए, एंड उनसे हम बहुत जल्दी ही इस टेस्ट को विद इन 15 मिनट में हम करके डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को या सिम्टोमेटिक कंज्यूमर को कि उसको कोरोना के कितनी प्रॉबिलिटीज़ हैं, कितने लक्षण हैं, एंड अगर उसको नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोरोना नहीं हो सकता है। इसके डॉक्टर अशोक सेठ के पास लेकर चलते हैं, वो आप मुझे सुन पा रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ जो बात यहाँ पर बता रहे हैं नीरज गुप्ता जी कि देखिए ये रैपिड टेस्ट किट आ गए, रैपिड टेस्ट के जरिए आपको लगता है कि कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है इसमें तेजी आएगी सर? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है रैपिड टेस्टिंग का होना। इसी अब वो मौका आ गया है जहाँ हम कह रहे हैं जो पूरा देश पूरा वर्ल्ड कह रहा था कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है। हमारे पास टेस्ट किट कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स कम थी, तब उतने ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बट अब जब हमने निकलना है इसे और लॉकडाउन से बाहर निकलना तो मैपिंग बहुत जरूरी हो गई है कि किस किस क्षेत्र में कितनी डिजीज प्रोसेस है, क्या प्रेवलेंस है, और हम किस तरह से इसको मैप करके सही तरीके से लॉकडाउन से निकले। तो जो टेस्ट 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 की बात आई है वो ट्रीटमेंट में इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितने की स्ट्रैटेजी में, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में और पब्लिक पॉलिसीज में अभी डिपेंड करती है। तो ये रैपिड टेस्ट किट्स उसी को हेल्प करेंगी, ये कोरोना को डायग्नोज नहीं करती हैं। हाँ जी। ये तभी पॉजिटिव होती हैं जबकि 7 दिन हो गए होते हैं, बॉडी के मैकेनिज्म्स जो एंटीबॉडीज हैं वो आ गई होती हैं, और ये टेस्ट किट्स उनको पकड़ती हैं कि कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है किसी को, और अगर हो गया है तो फिर हम मैप कर सकते हैं कि इस एरिया में कितना कोरोना प्रेवलेंट है, कितना कोरोना हो सकता है, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, और उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये टेस्ट किट्स की ये होती है कि ये जो हमने ये जो क्लस्टर्स हैं उनको टेस्ट करना, जो हम एक एरियाज कहते हैं जो हमारे हाई रिस्क एरियाज हैं उनको टेस्ट करना, बट ऑल्सो जो एरियाज में हमने कहते हैं कि हो ही नहीं रहा कोविड 2 डिजीज अभी मिल नहीं रही है उनको भी टेस्ट करना कि हो सकता है कि बहुत सारे एसिम्प्टोमैटिक कोविड पेशेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि कोविड हुआ है, माइल्ड जुकाम सर्दी खांसी से ठीक हो गए हैं, बट अगर उनमें एंटीबॉडीज पाए जाएं तो हमें और पता चल जाता है प्रेवलेंस ऑफ डिजीज का। और चौथी बात मैं ये कहूँगा जी कि यही एक मौका है हमारे पास 3 हफ्ते का जो मिला है ये लॉकडाउन को सक्सेसफुल करें
टेस्टिंग करें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि हम किस तरह से इस लॉकडाउन से निकले, सो दैट देश धीरे धीरे नॉर्मल इकोनॉमिक स्टेटस और नॉर्मल हेल्दी स्टेटस दोनों पे आ सके। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है मैं डॉक्टर राजीव परख के पास चलती हूँ। डॉक्टर राजीव परख, मैं ये समझ पा रही हूँ कि लॉकडाउन एक तरीके से जिस मकसद के साथ किया गया था कोरोना के खात्मे के लिए, अब कोरोना को खत्म करने के लिए ये जो रैपिड टेस्ट है खासतौर से, ये एक अग्रेसिव अप्रोच है सर? जरूरी अप्रोच है और मैं डॉक्टर सेठ के साथ बिल्कुल कम्प्लीटली अग्री करता हूँ। ये एक टेस्ट है जिससे कि हम डायग्नोज नहीं कर सकते किसी पेशेंट को उस समय एक्टिव कोरोना है। ये बताता है कि आपको पिछले 7 दिनों के अंदर या 10 दिनों के अंदर आपको कॉन्टैक्ट हुआ है किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से या उससे, और इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है उस एरिया में रहा है जहाँ पर उसको कोरोना हुआ है। मेरे ख्याल से ये टेस्ट जो है इसकी 2-3 जगह अलग भी वैल्यू है। जब हम लॉकडाउन से निकलेंगे उस समय हमें कैसे डिसाइड करना है कि हम किन लोगों को अपने मतलब रूटीन नॉर्मल काम में आने दे सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आदमी सेफ है, ये आदमी सेफ नहीं है। इन केसेस को मतलब जब भी ये चीज़ शुरू होगी तो आई थिंक इसकी एक एप्लीकेशन इस रैपिड टेस्ट की ये हो सकती है कि हर एक पेशेंट का ये एक रैपिड टेस्ट कराया जाए, और अगर वो नेगेटिव आता है तो ये पेशेंट जो है वैसे सेफ है, इन द सेंस कि उसको इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसको खुद को खतरा है कि उसको कभी कोरोना फिर भी हो सकता है। जो सबसे सेफ पेशेंट होगा वो होगा जिसको कि इस रैपिड टेस्ट से पता लगता है कि उसको IgG जो डिलेड एंटीबॉडीज होती है वो उसके बॉडी में है, और ऐसे केस का अगर आप वास्तविक में चाहें कि उसको पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करें, उस पेशेंट का एक RT-PCR टेस्ट भी होना चाहिए देखने के लिए कि वो उस वक्त पे उस पॉइंट पे वो एक्टिव कैरियर तो नहीं है। और अगर बेस्ट पर्सन वो होगा जिसका कि रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग टर्म एंटीबॉडीज और वो PCR उसका नेगेटिव है, वो आदमी सेफ है, उसको आप अपने सबसे आगे रख सकते हैं क्योंकि उसको होपफुली कोरोना से एक किस्म की प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो इन्फेक्ट हुआ था लेकिन वो उसको ओवरकम कर चुका है। जी, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं सर। मुझे लगता है हम एक बार फिर से नीरज जी का रुख कर लेते हैं। नीरज जी, तो इसमें तो प्राइवेट लैब्स का कोई रोल नहीं होगा, ये रैपिड टेस्ट जो है ये तो सरकार ही कराएगी ना? हाँ जी, अभी जो करंट डायरेक्शंस हैं ICMR एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे वांट टू स्क्रीन इट। अभी सिर्फ हम लोग इसको स्टेट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी इसको प्राइवेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गाइडलाइंस और आदेश नहीं है, एंड आने वाले टाइम में जरूर डेफिनेटली चेंजेस आएंगे इस पॉलिसी में, मेरे को लगता है, जैसे हम इस टेस्ट के साथ और एक्सपीरियंस गेन करेंगे, इसकी नॉलेज के साथ गेन करेंगे। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट होगा, जो कि जैसे अभी हमने देखा डॉक्टर अशोक ने भी ये बताया कि ये जिनके पास ये पॉजिटिव है या और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है वो लोग सबसे ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि वो इससे निकल चुके हैं, और जिनको नहीं है उनको डेफिनेटली हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं कि उनको अभी वो इससे बचे हुए हैं। और ठीक है सर, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, मुझे ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है, लेकिन जब मैं लौटूंगी तो मेरे ख्याल से एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है इन रैपिड टेस्ट को लेकर कि साहब इनके अंदर जो एरर मार्जिन है ना वो काफी होता है, तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाए? और साथ ही साथ देश का हेल्थ बुलेटिन कल देखिए, जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो 3-3 पैमाने बताए गए थे जहां पर भारत कोरोना के खिलाफ जंग में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब दिशा सही है, गति सही है भारत की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में। लेकिन आज क्या होगा नया आंकड़ा, आज क्या मिलेगी नई जानकारी देश की सेहत के बारे में, देश की तैयारी के बारे में? नजर हमने लगातार बनाई हुई है, आप हमारे साथ रहिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जुड़ जाते हैं वो रैपिड टेस्ट जिसकी पहली खेप भारत में आ चुकी है और अब उससे कैसे मिलेगी कोरोना के वायरस को मात, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से डॉक्टर अशोक सेठ के पास चलते हैं। सर, रैपिड टेस्ट किट्स आ गई है, रैपिड टेस्ट अब किए जाएंगे जो भी क्लस्टर्स हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन एक सवाल जो इन रैपिड टेस्ट में एरर ऑफ मार्जिन को लेकर है उस पर आप क्या कहेंगे? हमें पहले तो बात यही सबसे इम्पोर्टेंट समझनी है कि यस, ये रैपिड टेस्ट है, 15 सेकंड में रिजल्ट आता है,
बट ऐसे हार्ट टेस्ट में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी लो होती है, क्योंकि ये टेस्ट का मकसद ही अलग है। ये टेस्ट का मकसद ये नहीं है कि पेशेंट इन्फेक्शस है इस टाइम पे, पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है, इसको आइसोलेट करें, वो सब। अगर ये टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे डॉक्टर राजीव पारख ने बताया, एक तो हुई मैपिंग आउट ऑफ प्रेवलेंस ऑफ डिजीज प्रोसेस, दूसरा स्ट्रेटजाइजिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं कि ये हमारे ग्रीन एरियाज हैं, यहाँ तो हमने केस देखा ही नहीं, हो सकता है कि साइलेंट केसेस हुए हो वहाँ पे। कम्युनिटी स्क्रीनिंग, पब्लिक स्क्रीनिंग, सर माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, वो इसलिए रोक रही हूँ सर क्योंकि रोज शाम में मैं ये हेल्थ बुलेटिन करती हूँ और वो पीस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसके बारे में जानकारी मैं दर्शकों को देती हूँ। आपने जो कहा कि जो ग्रीन एरियाज है जहाँ पर केसेस ही नहीं है, तो उसके लिए तो आईसीएमआर की तरफ से कहा गया कि साहब हम इसीलिए पूल टेस्ट लेकर आए, उन इलाकों में जहां पर इन्फेक्शन नहीं है वहां पर पूल टेस्ट करना चाहिए, और रैपिड टेस्ट के स्पेसिफिकली उन्होंने कहा उन इलाकों के लिए जो हॉटस्पॉट्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं, जहां क्लस्टर्स हैं, इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन प्लीज। ओके, सो पूल टेस्टिंग वो आरटीपीए की होती है कि जिसपे एक ही साथ बहुत पूल लोगों को करके आरएनए मटेरियल ढूंढते हैं, और अगर 15 लोगों का एक साथ एक कर लिया एक ही सैंपल में, तो अगर आरएनए मटेरियल हुआ तो फिर उनकी सेपरेटली रैपिड तब उनकी वो आरएनए टेस्टिंग होती है अलग अलग। सो रियल टाइम पीसीआर फिर उनका अलग अलग किया जाता है। वाइल ये वाला भी टेस्ट, बाय द वे, ये वाला भी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी क्योंकि 5,000 किट आए हैं, अभी क्योंकि हमने उन हॉटस्पॉट्स को टेस्ट करना है, बट क्लियरली जब और किट्स आएंगे तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है उन ग्रीन एरियाज को मैप करने के लिए भी, क्योंकि हम बगैर टेस्टिंग के हम सोच रहे हैं वो ग्रीन एरियाज हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा टेस्टिंग हुई ही नहीं है, और इसीलिए उन एरियाज में पूल टेस्टिंग का रोल कम हो जाएगा, रैपिड टेस्टिंग का फायदा होगा, क्योंकि हमें रिजल्ट्स इमीडिएटली रियल टाइम चाहिए होंगे ऑन कम्युनिटी स्क्रीनिंग। बहुत महत्वपूर्ण बात आप तो बता रहे हैं, मुझे लगता है एक ब्रेक के बाद जब मैं लौटूंगी तो मैं चर्चा इस पर करूंगी कि 20 अप्रैल प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि देखिए 20 अप्रैल के बाद वो इलाके जो ना तो हॉटस्पॉट है और ना ही जिनके हॉटस्पॉट में तब्दील होने की कोई दूर दूर तक आशंका है, वहां कुछ छूट कुछ रियायतें दी जाएंगी। ऐसे में क्या 20 अप्रैल से पहले ये जो रैपिड टेस्ट किट आ रही है ना, इनको फोकसली खासतौर से ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां पर छूट की संभावना इस समय दिखाई दे रही है? इसी सवाल के साथ लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। हेल्थ बुलेटिन देश का आने वाला है, तैयारी देश की और सेहत देश की इस समय कैसी है ये जानेंगे, आप रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो देखिए कोरोना से दूरी के लिए लॉकडाउन जरूरी, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को दोबारा से आगे बढ़ाने के लिए वो इलाके जहां पर कोरोना का खतरा नहीं है उन इलाकों में छूट देने की तैयारी जो 20 अप्रैल के बाद से होगी। ऐसे में ये रैपिड टेस्ट डॉक्टर परख आपको लगता है कि महत्वपूर्ण रह सकते हैं चिन्हित करने के लिए सर, आइडेंटिफाई करने के लिए उन इलाकों को जहां छूट दी जाए? ये एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन एरियाज़ में पहले एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि वाकई जो हमारी इम्प्रेशन है कि यहाँ पर ये हमारे एरियाज़ बिल्कुल ड्राई हैं और ग्रीन हैं, इन एरियाज़ में अगर ये बीमारी नहीं है तो उनको डेफिनेटली छूट दी जा सकती है, नंबर वन। लेकिन ये खास ख्याल रहेगा उसके बाद भी कि बाहर से लोग उस एरिया को एंटर ना करें, और अगर एंटर करें तो उनमें बहुत सख्त निगरानी के साथ एंटर करें, क्योंकि बाहर से फिर एक आदमी पूरा एपिडेमिक शुरू कर सकता है। डॉक्टर अशोक सेठ अब मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि फिर सैंपल साइज क्या रहे, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि 10 लाख की आबादी पर करीब 200 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। अब ऐसे इलाके जो बिल्कुल क्लीन है, जो ग्रीन एरियाज है, वहां पर छूट के लिए हम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अगर रैपिड टेस्ट करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है, तो फिर आमतौर पर एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी 10, 12, 15, 20 लाख तक होती है, तो फिर किस हिसाब से रेशियो बनाया जाए? जी वो रेशियो तो इनफैक्ट रैंडमली बनेगा, एंड आई थिंक हम लोग क्वालिफाइड हैं इस मैथमेटिक्स को करने के लिए, बट ये कहूंगा कि रैपिड टेस्टिंग में एंड वी हैव टू बी फेयर, आफ्टर ऑल उसके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि, बट ये तो बड़ा क्लियर है कि रैपिड टेस्टिंग ही उन जगह पे बाद में करनी पड़ेगी, और अभी गवर्नमेंट इसलिए हॉटस्पॉट्स पे कंसंट्रेट कर रही है।
बिकॉज वो इमीडिएट एक्शन है। और टेस्टिंग किट्स आपको पता ही है कि ये डिले हो गए हैं, आने चाहिए थे, नहीं आए, रोज हम इनका इंतजार कर रहे थे, अब पहुंचे हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, जिसमें दिल्ली को 60,000 मिलेंगे बट 5,00,000 किट्स है। जहां पे जब हिंदुस्तान में वो रैपिड टेस्टिंग किट्स बनने शुरू हुए तो ये जरूर उन ग्रीन एरियाज में जाएगी, क्योंकि बड़ी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि वो ग्रीन एरियाज वाकई ही ग्रीन एरियाज है कि नहीं। तो हो सकता है कि हमें 20-30,000 उस डिस्ट्रिक्ट्स में करना पड़े, बट 20-30,000 हमें पता चला। देखिए ना, हमारे साथ नीरज जी हैं, आगे नीरज जी से जानेंगे कि और कितनी खेप आने की उम्मीद कब तक की जा सकती है इन रैपिड टेस्ट किट की, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद तो खोलने हैं ना उन इलाकों को जहां पर छूट देनी है, जो पूरी तरीके से ग्रीन जोन है, जो ना हॉटस्पॉट है और ना ही जिनके हॉटस्पॉट में तब्दील होने की दूर दूर तक कोई आशंका है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं आगे देश का हेल्थ बुलेटिन। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कैसी है देश की सेहत, क्या है तैयारी कोरोना की महामारी से निपटने की, हर आंकड़ा होगा आपके सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है, 4 मई से घरेलू उड़ाने शुरू करने जा रहा है एयर इंडिया, कुछ चुनिंदा रूट्स पर उड़ाने शुरू होंगी। मैं यात्री उड़ानों की बात कर रही हूं, कार्गो फ्लाइट अभी भी चल रही हैं, एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कुछ चुनिंदा रूट्स पर 4 मई से उड़ाने शुरू करेगा एयर इंडिया। इस खबर पर जब और डिटेल्स आएंगी तो हम आपके पास आएंगे, फिलहाल रुक कर लेते हैं खास मेहमानों का। डॉक्टर सेठ, मैं चर्चा इस बात पर करना चाहती हूँ सर कि लड़ाई तो लंबी है, हम सब जानते हैं, लेकिन पहला पड़ाव जिस तरीके के अभी पैमाने सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या हमने सफलता के साथ पार कर लिया है सर? डेफिनेट, इनफैक्ट इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ, जब इंट्रोड्यूस हुआ था 500 केस थे, प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव, सबने इसकी सराहना की है। वही उसी दौरान में हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में क्या हाल हुआ है। आज भी मैं अपने दोस्तों को वहां जब फोन करता हूँ, जो मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं, तो वो रोज रात इसी परेशानी में होते हैं कि उनको इतने ज्यादा केसेस, इतनी ज्यादा डेथ्स, इतने वेंटिलेटर पे लोग पेशेंट्स उन्होंने कभी देखे नहीं, उनके हॉस्पिटल फुल हो गए हैं, उनके पास गाउन्स नहीं है, मास्क खत्म हो रहे हैं, और हम अभी भी एक कंट्रोल्ड और कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हुए हैं। अगर आप देखें 1,000 केस रोज के, जब 6,000 केस टोटल थे तभी भी हम देख रहे थे, उस वक्त 1,000 केस आ रहे थे, क्योंकि वो निजामुद्दीन क्लस्टर हुआ था तो हमारा डबलिंग रेट 3 हो गया था, और अब फिर वापस वो धीरे धीरे, इनफैक्ट केरला में तो डबलिंग रेट अब 14 पे पहुंचा हुआ है। सो हमने वाकई ही बहुत अच्छा किया है, और ये है कि टेस्टिंग के बावजूद अब सिर्फ 7% कंपेयर टू द बेसलाइन 7% केसेस ही रोज बढ़ते जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने अगले 3 हफ्ते, जो हमारे पास 2 हफ्ते और बचे हैं, इसी तरह से 100% कंप्लायंस, मैं कहूंगा ये सब सक्सेस कंप्लायंस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारी कंप्लायंस आगे हमारी किस तरीके छूटी, से तैयारी रहनी तो फिर चाहिए, आगे भी किस तरीके से कसे हुए कदम उठाने चाहिए, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं जल्दी से डॉक्टर परक से एक यहाँ पर रिएक्शन ले लेती हूँ। सर, जो अशोक सेठ सर बात कर रहे थे कि साहब महाशक्तियां इस समय घुटनों पर है, लेकिन विश्व गुरु भारत खड़ा हुआ है डटकर मजबूती से कोरोना की इस महामारी के सामने, बड़ी वजह आपको क्या लगती है सर? मेरे ख्याल से आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट ही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सही वक्त पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट अहम डिसीजन लेना है, वो है लॉकडाउन। इतने बड़े विशाल देश में जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, जितने प्रकार के हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं, उन सब जगहों में अगर हमने लॉकडाउन करने की कोशिश करी और उस कोशिश में हम बहुत फीजदी, आई वुड से 85-90% केसेस में हमारी लॉकडाउन जो है सक्सेसफुल रहा है। ऑफ कोर्स इंसिडेंट्स हम होते हैं इतनी बड़ी कंट्री के अंदर, लेकिन 80-85% चांसेस हमारी सक्सेस रहा है, और ये एक बहुत बड़ा अहम कारण रहा है जिससे कि हम इस कोरोना का जो वो है, टेस्टिंग एक अलग चीज़ है, ट्रीटमेंट एक अलग चीज़ है, वेंटिलेटर एक अलग चीज़ है, वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इन्फेक्टिविटी रेट, जो हमारा जो ट्रांसमिशन रेट है, अगर हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, और वो है लॉकडाउन, जो कि हम बखूबी कर चुके हैं, और वो उसका नतीजा सामने है। आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है भारत ने आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं किया।
WHO कह रहा था टेस्ट टेस्ट टेस्ट, लेकिन भारत ने अपने लिए खुद अपना रास्ता बनाया। जिस समय WHO टेस्ट 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 कह रहा था, भारत ने अपनी जरूरत को समझा, आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन, हमने उस पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाए और जब बुनियाद तैयार कर ली तो अब टेस्ट का किला जो बनाया जा रहा है कोरोना के इस दानव का अंत करने के लिए, उसी पर चढ़कर मारा जाएगा कोरोना के इस दानव को। और उसके बारे में बेहतर तरीके से नीरज जी बता पाएंगे कि पहली खेप 5 लाख टेस्ट किट की आ गई है, रैपिड टेस्ट किट, आगे का क्या प्लान है सरकार का? नीरज सर, अगर आप कुछ शेयर करें दर्शकों के साथ। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो टेस्ट किट है ये पूरे वर्ल्ड की डिमांड है इस टाइम, एंड बनाने की जो कंपनीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं एंड जो इसको सप्लाई कर पा रही हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जिद्दोजहद रहती है कि हम इन किट्स के लिए अपने इंडिया के लिए लेके आ सकें। हम लोगों ने ऑलरेडी 30 लाख पीस का ऑर्डर कंपनी को दिया हुआ है। हमार को तकरीबन 5 लाख से 6 लाख पीस हर हफ्ते हमें मिलते जाएंगे। हमने ऑलरेडी एक लॉट दे दिया है, अगले हफ्ते हमारे पास फिर से ये लॉट आ रहा है जी। और अगले पूरे मई तक हमारे पास ये 5 से 6 लाख पीस हर हफ्ते आते रहेंगे, एंड जिससे कि हम उसकी सप्लाई को नहीं, बिल्कुल बड़ा आंकड़ा जो आप दे रहे हैं, हर हफ्ते 5 से 6 लाख के जाना और एडिशनल स्टॉक्स का अरेंजमेंट होना, मतलब कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से धार और गति अब कोरोना के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ जंग में दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और उसके बाद ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर है, रहिए मेरे साथ, फौरन लौट रही।